पब्लिक हमसे सवाल करती है, और उनका एक महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि क्या अन्य लोगों की तरह आप लोग भी बदल तो नहीं जाएंगे। वजह है कि उन्हें इतनी कठिनाइयों के बावजूद पॉजिटिव वे में और एनर्जेटिक वे में दौड़ लेते हैं, चल लेते हैं, जो अलग एक्टिविटियां हैं जो हटकर करने का प्रयास रहा है, और उसमें शमशान की जो यात्रा रहती है सप्ताह में, महीना में एक आध बार काफ़ी अस्वस्थ अवस्था में सभाओं को करना, कर्म पर्व के कार्यक्रमों में सम्मिलित होना, ये सिलसिला चला आ रहा है। इसी बीच में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद पॉजिटिव वे में और एनर्जेटिक वे में दौड़ लेते हैं, चल लेते हैं। तो मुझे लगता है, पता नहीं कितनी सच्चाई है मेरे इस अनुभव में, लेकिन मेरा मानना है कि लोगों से हटकर जो मेरी एक्टिविटी है, लोगों से हटकर जो मेरी सोच है, वही कहीं ना कहीं कारण है उन क्रिटिकल सिचुएशन को भी इजीली हैंडल करने की। जब और एक सवाल आता है जो हमारे किसी भी सभा में, अब चूँकि हम लोग क्वेश्चन करने का अवसर देते हैं, कोई भी सभा अगर समाप्त होती है तो पब्लिक के बीच हम लोग पब्लिक हमसे सवाल करती है, और उनका एक महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि क्या अन्य लोगों की तरह आप लोग भी बदल तो नहीं जाएंगे। तो उन्हें इसी मोक्ष की भूमि शमशान घाट से संदेश, शमशान है हमारे दाहिने हाथ में विकास की कब्र है और बाएं हाथ में प्रकाश का कब्र है, बिल्कुल इंच भर का भी फासला नहीं है। और संदेश यही कि जिनका संबंध शमशान से, वो बदलने का स्वभाव नहीं रखते हैं। अगर हमारा संबंध एसी से होता, अगर हमारा संबंध लग्जरी गाड़ियों से होता, अगर हमारा संबंध ऐसो आराम से होता, अगर हमारा संबंध भौतिकवाद से होता, तो शायद आप ये प्रश्न हमसे कर सकते थे कि कहीं मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे। तो संदेश अपने समर्थकों को, जिन्होंने हम उम्मीदें जताई है, जिन्होंने प्रेम किया है, अपना अथाह स्नेह देने का काम किया है, विश्वास जताया है कि जो लोग शमशान में बैठकर संदेश देते हों, उनसे बदलने की गुंजाइश कम ही रखेगा या तो ना ही रखेगा, क्योंकि हम लोग जो चकाचौंध की दुनिया है उससे तो ऊपर है, इस बात को स्वीकार करना होगा। जो लग्जरियस लाइफ है, जो ग्लोरियस लाइफ है, उससे हमारे जीवन, हमारी दुनिया अलग है। अतः अपने समर्थक जिन्होंने विगत 2 सालों में जो प्रेम दिया, और किसी चैनल के माध्यम से वे सर मैंने एक रिसर्च भी करके उन्होंने इस बात को भी रखा था कि अगर कोई लीडर्स आते हैं तो लोग घरों से यह कह के निकलते हैं कि अगर हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा तभी उस लीडर की सभा में जाएंगे, लेकिन टाइगर की सभा में अगर कोई जाता है तो सुनने अपना खर्च करके जाता है। तो ऐसे में हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, और पहला सवाल वही कि अन्य लोगों की तरह कहीं हम लोग भी चेंज तो ना हो जाएं। तो आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, हम लोग उस पुरानी प्रक्रिया को, उस पुराने पैटर्न को फॉलो करने नहीं जा रहे हैं। इस बात का धीरज रखिएगा, इसलिए क्योंकि हम लोग का जो इच्छा होता है कि 2 पल कहीं बिताया जाए, वो किसी 5-स्टार होटल में नहीं, किसी 7-स्टार होटल में नहीं, शमशान घाट में अपने दोस्तों के साथ कुछ बैठकर, कुछ चर्चे परिचर्चे करके बिताया जाए, ये हमारी ख्वाहिश होती है। तो निश्चय ही भौतिकवाद से विशेष वास्ता नहीं है, वास्ता शमशान से है। तो बदलाव की जो गुंजाइश का सवाल उठता है, उस पर विराम लगाएं, और आपका आशीर्वाद और प्रेम जो मिला है वह भविष्य में मिले, हम लोग ये कामना करते हैं। बदले में हम लोग अपना सर्वस्व निछावर करने का पूर्ण चेष्टा करेंगे, और साथ ही जो स्वास्थ्य की स्थिति है, मेरा मानना है कि वह स्वास्थ्य की स्थिति कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ एक्टिविटियां हैं जो संभवतः आम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे उन वही एक्टिविटियां थोड़ा सा डिफरेंट करती है, उसी का प्रमाण है। मैं आपके बीच अगर खड़ा हूं तो उसी का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं वही एक्टिविटियां मुझे इस प्रकार की पॉजिटिविटी में, एनर्जेटिक वे में ला के खड़ा करती है। वरना मैं भी सोचता हूँ कि एक दिन में कर्म के कार्यक्रम में 2400 कार्यक्रम अटेंड करना, अगर एक कार्यक्रम में 10 मिनट का ही स्पीच देना तो 240 मिनट यानी लगभग 4 घंटा, रात 8-9 बजे स्टार्ट करना, 2 बजे ख़त्म करना, ये आसान नहीं है। उसके लिए आपको मेंटेलिटी, फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। और एक इस आज के डेट में, इस भागम भाग अवस्था में ये इतना आसान नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका कारण हमारी जो अलग एक्टिविटियां हैं जो हटकर करने का प्रयास रहा है, और उसमें शमशान की जो यात्रा रहती है सप्ताह में, महीना में एक आध बार बैठना, यहाँ चिंतन करना, यहाँ मंथन करना, विचार विमर्श करना,
तो कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। तो विशेष ज़्यादा कुछ नहीं, संदेश यही रहेगा कि जिस उम्मीद के साथ हम लोग आगे आए हैं उस उम्मीद को खरा उतरने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।